नमस्कार दोस्तों, संध्या बेसी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम लौकी के कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। तो ये हमने लौकी ली है आधी, जिसको धो करके और ये काट लिया है आधी, और अभी इसका छिलका उतारेंगे। इसके बाद इसे एक बार और धोएंगे और फिर इसे किसेंगे। 5-6 लहसुन की कलियां, 3 प्याज, 3 टमाटर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जीरा पाउडर, इसको भूज करके और इसका पाउडर बना लिया है। हल्दी पाउडर, एक चुटकी हींग, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, तीखी नहीं है, एक चम्मच लिया है। 2 चम्मच धनिया पाउडर और ये एक कटोरी बेसन। ये लौकी को घिस लिया है अच्छे से और इसका निचोड़ करके इसका पूरा पानी निकाल दिया है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। एक प्लेट लेंगे, इसमें डालेंगे लौकी, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची, ये तीखी वाली मिर्ची है, और इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को थोड़ा थोड़ा मिला करके इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, इसलिए नमक हमने इंग्रेडिएंट में नहीं रखा था, और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा गीला लग रहा है इसलिए थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक टुकड़ा तोड़ेंगे और ऐसे इसको इस तरीके से ऐसे शेप दे देंगे, इसे टिक्की की तरह बना लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए, और इसी तरह हम सारे इनको टिक्की बना करके रख लेंगे। आप चाहे तो बॉल भी बना सकते हैं, बॉल का शेप भी दे सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा चपटा कर रहे हैं। गैस पे तेल हमने चढ़ा दिया है, तेल गर्म हो जाएगा, इसके बाद इसमें कोफ्ते तलेंगे। छोटा सा टुकड़ा डाल करके चेक करेंगे तेल गर्म हुआ है कि नहीं। ये ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो गया। इस तरीके से जितने आ जाए उतने कोफ्ते इसमें डाल देंगे। ये देखिए, एक बार हमने इसको पलट दिया है और गैस को मध्य रखा है, मध्य गैस पे ही इसे तलेंगे ताकि एकदम बिल्कुल अच्छे से अंदर तक पक जाए। ये देखिए, ये अच्छे से हमारा पक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। इसे ऐसा भी खाया जा सकता है, चटनी के साथ ऐसे भी अच्छे लगते हैं कोफ्ते। जितनी लौकी ली थी और बेसन लिया था, सामान लिया था मैंने जितना, उसमें से इतने कोफ्ते बन करके तैयार हुए हैं। गैस को जला दिया है, गैस में तेल डाल दिया है, थोड़ी देर तेल को गर्म होने देंगे। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां, 5-6 लहसुन ली है, जीरा, और फिर थोड़ा सा हिला देंगे। प्याज 3 हमने काटा है लंबे से। ये देखिए, प्याज हमारी पक गई है। इसमें टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे नमक ताकि टमाटर अच्छे से जल्दी से गल जाए, और इसे ढक देंगे। खोल करके चेक करेंगे, इसके पहले मैंने 2 बार खोल करके इसे चेक कर चुके हैं। ये देखिए, पक करके पूरा तैयार हो गया है, टमाटर भी गल गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। लहसुन प्याज और टमाटर को जो हमने छौंका था उसको हमने ये पीस लिया है। अब चलिए चलते हैं कढ़ाई चढ़ाएंगे। गैस पे पैन रख दिया है, इसमें तेल डाल दिया है, तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। डालेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हींग, हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्ची पाउडर। एक बार अच्छे से सबको चला देंगे इस तरीके से। और जब ये मसाला सूखे डालें तो गैस को मध्य रखें ताकि मसाले ये जले नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। और ये जो हमने मसाला पीस करके तैयार करा है ये डाल देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे इस तरीके से। मसालों को इसको अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक ध्यान से डालिए, क्योंकि नमक हमने थोड़ा सा पहले भी डाला था और कोफ्ते में भी नमक है, इसलिए नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। और इसे अच्छे से पकने देंगे मसाले को, इसी तरह से चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो नीचे जल जाएगा। ये देखिए, ये हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, चारों तरफ से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में डालिएगा,
ताकि इसका अच्छा सुगंध आती है, अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू इसकी अच्छी आती है। अब इसे भी इस तरीके से मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए मसाला पूरा अच्छे से पक गया है, कैसे किनारे किनारे से पूरा तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पतला गाढ़ा रखना है उसके हिसाब से। हमने 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। इसे 2 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। ये देखिए इसे हम खोल करके चेक करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते। अब हम इसे ढक करके रख देंगे इस तरीके से और गैस को मंदी कर देंगे ताकि ये हमारे कोफ्ते अच्छे से नरम हो जाए। इसे खोल करके चेक करेंगे और इसे एक कोफ्ता निकाल करके हम एक प्लेट पे इसे काट करके चेक करेंगे कि अच्छे से पका है कि नहीं। ये देखिए अच्छे से कट रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये कोफ्ते की सब्जी हमारी पक करके पूरी अच्छे से तैयार हो गई है। अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ।